सल्लू, ये देखो, मैंने भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई है। क्या इसमें तुमने रेड डाली है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो नहीं है। पर वो क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल? वो क्या होता है? देखो, वो चीजें जो पानी में घुल जाती हैं, यानी डिसॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल कहलाती हैं। जैसे नमक और चीनी वगैरह। और वो चीजें जो पानी में नहीं घुलती, इनसॉल्युबल कहलाती हैं, जैसे रेत और मिट्टी वगैरह। और तुम्हें पता है चंदू? क्या? किसी चीज की हल होने की सलाहियत को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी डिसॉल्व्ड। हल पजीरी किसी चीज की हल होने की सलाहियत को कहते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, जिसमें हम 100 ग्राम पानी डालेंगे। अब हम कमरे की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर पर इसकी सेरशुदा यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हम इसमें डालेंगे नमक, इतना कि वो घुलना बंद हो जाए। 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच और 5। ओह, ये देखें, नमक घुलना बंद हो गया है, जिसका मतलब है नमक की सेरशुदा सॉल्यूशन तैयार है। अब हम देखते हैं इस सॉल्यूशन में कितना नमक घुला है। 1 2 3 4 4 चम्मच, मतलब 36 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। हल पजीरी किसी सॉल्यूट की वो मिकदार जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सेरशुदा सॉल्यूशन बनाए, उसकी हल पजीरी कहलाती है। तुम्हें पता है हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर का हल पजीरी पर क्या असर है? देखो, जब हम सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के नीचे आग लगाते हैं, तो जो सॉल्ट पहले नहीं घुल रहा था, अब घुलना शुरू हो गया है। ये देखो, घुल भी गया। मतलब अब हम इस गर्म पानी में और सॉल्ट भी डिसॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि When temperature increases, solubility of solute also increases. टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्यूट की हल पजीरी में भी इजाफा हो जाता है। सलाम बच्चों, आज हमने जाना सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। हल पजीरी किसी सॉल्यूट की वो मिकदार जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सेरशुदा सॉल्यूशन बनाए, उसकी हल पजीरी कहलाती है। When temperature increases, solubility of solute also increases. टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्यूट की हल पजीरी में भी इजाफा हो जाता है।